Hello friends, welcome back to Pebbles and welcome back to our personality development course. Aaj ka apna 22nd day, 22nd din hai. Congratulations ki 22nd day tak aap tike rahe. And congratulations to your future bright personality and beautiful personality. Aaj ka hamara din hai. Non, अरे यार मैंने वापस negative word लिख दिया. Non. लेकिन आपके लिए non-judgmental day. इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप कभी law school गए हो, LLB किया है, वकील बने हो? नहीं, नहीं. हम में से हर एक आदमी जज है. जज? हाँ, क्योंकि हम में से हर एक आदमी जज हैं, और वो भी फालतू जज. कोर्ट में बैठा हुआ जज तो सारे एविडेंस देखने के बाद, पूरी घटना सुनने के बाद, दोनों तरफ से सुनने के बाद जजमेंट देता है. लेकिन हम बहुत ही आसानी से जजमेंट दे देते हैं. नहीं देते? अरे यार वो लड़का ही फालतू है, अरे वो एकदम गॉन केस है, अरे ये चीज फालतू है, अरे वो मूवी फालतू है, अरे ये बेकार है, अरे वो अच्छा ही है. बहुत ही इमीडिएट हम लोग कमेंट पास करते हैं, जजमेंट दे देते हैं, गुड बैड अगली. बहुत ही इजी. और ये सबसे ज्यादा होता है लेडीज, महिलाओं में. कार से जाते वक्त मैंने कई बार देखा है कि जो सिग्नल को, सिग्नल में जो छोटे छोटे बच्चे कुछ चीज़ें बेचने के लिए आते हैं, लोग उन्हें इतनी गंदी तरह से ट्रीट करते हैं, इतनी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं. क्या आपको पता है कि उन्हें कुछ हैप्पीनेस नहीं है कि ये सब करने का? मे बी वो अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर रहे हो, मे बी वो अपना घर चलाने के लिए पैसे जमा कर रहे हो, लेकिन हम इजीली बोल देते साले सड़क छाप बच्चे, साले नहीं, बेकार. ट्रेन से जा रहे हैं या बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कहीं भी हो आप, अगर आपके बाजू में कोई बहुत ही साधारण से कपड़े पहना हुआ, स्लीपर्स पहना हुआ आदमी अगर आके खड़ा होता है, तो आप इमीडिएटली अलर्ट हो जाते हो, अपनी बैग ठीक करते हो, जेब चेक करते हो. क्यों? एक नॉर्मल कपड़े पहनने के बाद क्या वो आदमी चोर बन गया? नहीं. लेकिन हमने तो जजमेंट पास कर दिया. कॉलेज स्टूडेंट्स, शी इज अ फ्लर्ट, बहुत ही इजी कमेंट दे देते हैं. आपको कुछ पता नहीं होता कि वो लड़की वैसी है या नहीं है, बस आप देखते हो, बोल देते हैं. Isn't it? कोई टीचर्स हमेशा हमारा दिन कंटिन्यूस किसी ना किसी घटना के बारे में, व्यक्ति के बारे में जजमेंट देने में बीत जाता है. और ये सिर्फ आप नहीं, मैं भी वही करता हूँ. अभी तो मैंने कंट्रोल किया है बहुत सारा, लेकिन हम करते हैं, सभी लोग करते हैं. क्यों? क्योंकि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वो है. हम दुनिया को, किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को उस नजर से देखते हैं जैसा हमें चाहिए, जैसा हमें लगता है वैसे हम देखते हैं. और फिर कई बार हमें उसका पछतावा भी होता है. अरे यार मैंने उसे तो बहुत गलत समझा यार, वो तो बहुत ही अच्छा आदमी निकला. अरे मैंने सबकी बातें सुनकर वो फिल्म देखी नहीं थी, सब लोग बोल रहे थे फालतू है, लेकिन जब मैंने देखा मुझे बहुत अच्छी लगी. तो हम कंटिन्यूसली कोई ना कोई जजमेंट सुनते हैं या फिर जजमेंट करते हैं, देते हैं. हम आइदर बोलते हैं या फिर सुनते हैं, क्योंकि हम में से हर एक आदमी दुनिया को उस नजर से देखता है जैसा उसे चाहिए, उस नजर से नहीं जैसी वो है. वो घटना, वो व्यक्ति, वो दुनिया, कोई भी. हम में से सभी ये मानते हैं, या फिर ऐसा एक वचन है कि द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. लेकिन आप
आपके जीवन में आए हुए व्यक्तियों के बारे में, घटनाओं के बारे में, चीजों के बारे में जरा सोच कर देखिए कि क्या आपका फर्स्ट इंप्रेशन सही था, परफेक्ट था, लास्ट था? नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज को या व्यक्ति को हम सिर्फ एक बार मिलकर, पता नहीं मुझे ये स्टेटमेंट किसने बनाया है कि द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, शायद ये जो स्टेटमेंट है वो ग्रूमिंग इंडस्ट्री का स्टेटमेंट है। मैंने आपको शुरू से ही बताया था, ये कोर्स शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रूमिंग एंड पर्सनैलिटी। ग्रूमिंग बाहर से होता है और पर्सनैलिटी अंदर से आती है। पर्सनैलिटी जो आप में जो गुण है उसे एनहांस करती है, उसे बाहर लाती है, और ग्रूमिंग वो बाहरी दिखावा होता है। आप सपोज, मैं ऐसा मानता हूं, आप ये करके देखिए, लोग ऐसा करते हैं कि सपोज आप फाइव स्टार होटल में जाइए, जेब में 10-50 हज़ार रुपया रखिए, लेकिन एकदम सिंपल से कपड़े पहन के जाइए। सबसे पहले तो वो वॉचमैन ही आपको ऐसे नजर से देखेगा कि कहाँ आ गया यार, ये कौन आ गया, ये भिखारी साला, बोलेगा, देखेगा। That is the first impression, but is that true? So grooming industry, grooming teachers आपको सिखाते हैं कि आपका first impression ही आपका last impression होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, दूसरों को impress करने के लिए आप बहुत ही अच्छा impression बना के जा सकते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छा looks, अच्छे gadgets, whatever it is। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है तो आपका वो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन नहीं रह सकता। इंटरव्यू में, किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में आप बड़ी बड़ी बातें ठोक कर आ सकते हैं, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, आई कैन डू दैट, आई हैव डन दैट, बट डू यू रियली डू दैट? कई बार हमारे ऑफिस में या काम की जगह पर भी हम बोलते हैं, ये साला बोलता बहुत ज्यादा है, करता कुछ नहीं है। लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम हमसे मिला तभी तो हमें वो महात्मा लगा यार, ग्रेट मैन। लेकिन क्या ऐसा था? नहीं। तो हम में से हर एक आदमी जजमेंटल होता है, आप मैं सभी, और शायद ये हमारा जो 22वां दिन है वो इस कोर्स का सबसे कठिन दिवस है, द मोस्ट टफेस्ट डे ऑफ दिस कोर्स। Not to be judgmental. किसी भी चीज, व्यक्ति या घटना को पहली बार देखकर उसके ऊपर आप कोई judgment पास नहीं करोगे, कोई judgment नहीं दोगे, कोई comment पास नहीं करोगे बिना सोचे समझे या उसे परखे, isn't it? और ये सब छोटी छोटी बातों में भी होता है। For example, मैंने खुद के बारे में एक बार देखा है कि मैं हमेशा ये मानता था कि द रेड शर्ट, द रेड कलर इज नॉट फॉर मी बिकॉज माई आई एम नॉट वेरी फेयर, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास शूटिंग के टाइम कोई शर्ट खराब वगैरह हो गई थी एंड आई हैड टू वेयर अ रेड टी शर्ट एंड इट लुक्ड वेरी नाइस, अच्छा लगा। लेकिन कई सालों तक इस गलत फहमी में मैंने वो कलर नहीं लिया था, नहीं पढ़ा था मैंने, क्योंकि मैंने उसको जैसा मुझे चाहिए वैसा ही देखा था, वैसा ही सोचा था, उस तरह से नहीं सोचा था। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि चलो एक बार ट्राई करके तो देखेंगे वो अच्छा है या बुरा है। कॉलेज स्टूडेंट्स में बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज हम देख लेते हैं, अरे ये लड़का बराबर नहीं है, अरे ये लड़की बराबर नहीं है, अरे इससे तो दूर ही रहना चाहिए, अरे इसके पास नहीं बैठना चाहिए। वी पास द जजमेंट्स, वी गिव द कमेंट्स। लड़कियां, महिलाएं ये चीजें बहुत ज्यादा करती है, जिसे कई बार गॉसिप्स कहा जाता है। छोटा सा जोक था कि एक आदमी हमेशा गार्डन में जाता है और वो देखता है कि एक बेंच के ऊपर, मतलब एक कट्टे के ऊपर, औरतें, तीन चार औरतें हमेशा बैठी हुई रहती है, फास्ट फ्रेंड्स, और जोर जोर से हंसी मजाक चल रहा है, गप्पे गपशप हो रही है, बातें हो रही है,
ही ऑल्सो रोज आते जाते वो जॉगिंग करते समय देखता है कि इट्स अ गुड ग्रुप। ओके, एक दिन जब वो जा रहा है तब वो देखता है कि सारे चुप, नो बडी स्टॉकिंग, कोई कुछ नहीं बात कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब सीरियस होके बैठे हैं। इसे लगा कि शायद इस ग्रुप का कोई मर गया है या फिर कुछ तो मतलब बैड इंसिडेंट्स घटा है, कुछ तो दुर्घटना घटी है। तो देखने में तो रोज एक स्माइल तो देते थे एक दूसरे को वो ग्रुप। तो उसने जाके पूछा, मैडम कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप बहुत चुपचाप हो आज। तो एक महिला ने कहा, नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आज हमारे ग्रुप की सारी महिलाएं प्रेजेंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रोज जो एब्सेंट होती थी उसके बारे में सब लोग बातें करते थे। इजंट इट? तो ये चीजें होती है जिसे हम गॉसिप भी कह सकते हैं। गॉसिप वो होता है वो किसी एक ही चीज के बारे में कंटिन्यूअस अफवाह फैलाते रहो। ऐसा भी हम करते हैं बहुत बार, लेकिन बिना किसी कारण के अननेसेसरीली हम कमेंट्स और जजमेंट्स पास करते रहते हैं व्यक्तियों पर, घटनाओं पर, चीजों पर, सभी जगह पर। तो कल आपका डे है नॉन जजमेंटल डे। आपको पता है कि यूट्यूब पर आपको कई ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो नॉन जजमेंटल रहते हैं, और उसका टाइटल ही ऐसे रहता है कि डोंट सी द थिंग्स एज इट लुक्स। जो दिख रहा है उस पर विश्वास मत कीजिए, शायद सत्य कुछ और हो सकता है, सच बात कुछ और हो सकती है। हम इजीली कह देते हैं कि ये ऑफिस का या दोस्त ये किसी से बात नहीं करता है यार, किसी के साथ मिक्सअप नहीं होता है, ही इज अ वेरी श्रूड एंड इंट्रोवर्ट पर्सन, बहुत बहुत खड़ूस है सारा, बोलते हैं ना। लेकिन क्या आपको पता है कि शायद उसके घर में कोई हमेशा बीमार है, माँ बीमार है, फादर बीमार है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो ही इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन हिज ओन थॉट्स। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं, क्या हम दूसरों की नज़र से कभी देखते हैं? नहीं, हम एक फ्रेम मन में बना लेते हैं, ब्लैक और व्हाइट। जजमेंट्स हमेशा गुड और बैड होते हैं, ब्लैक और व्हाइट होते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है। लेकिन दोस्तों, दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकती, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकती, हमेशा ग्रे शेड्स होते हैं। अवर लाइफ इज फुल ऑफ ग्रे शेड्स। मैं आपसे बहुत बुरा व्यवहार कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हो या मैं बुरा हूं। बहुत बार हम फिल्म्स देखते हैं, मैं जब फिल्म्स देखता हूं तब उसमें अच्छे अच्छे डायलॉग्स या कुछ अच्छी बातें ढूंढता रहता हूं। हैरी पॉटर मैंने देखी थी, उसमें डंबलडोर का एक डायलॉग था, नो नॉट डंबलडोर, सीरियस ब्लैक का एक डायलॉग था हैरी पॉटर को। वो कहता है कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो हैरी, तुम एक अच्छे इंसान हो जो बुरे समय से गुजर रहा है। समय बुरा होता है, इंसान या चीजें अच्छी या बुरी नहीं होती, समय बुरा हो सकता है, लेकिन ये कमेंट्स पास करते वक्त हम नहीं देखते। तो दोस्तों, ये बहुत ही कठिन टास्क है, इसके लिए प्रिपरेशन तो कुछ नहीं है, लेकिन सुबह जब आप उठोगे तब आप खुद अपने मन में कम से कम 10 बार ये चीज बोलोगे कि आज मैं बिना सोचे समझे, बिना परखे, बिना जाने किसी पर भी कमेंट पास नहीं करूंगा, मैं किसी भी कंक्लूजन पर तब तक नहीं आऊंगा जब तक मुझे पूरी बात पता नहीं। बहुत कठिन है ये, लेकिन एज अ टास्क ऑफ डे 22 यू हैव टू डू इट। और जब वो दिन खत्म हो जाएगा तब आपको खुद आपके मन में तो एक सुकून मिलेगा ही, लेकिन दूसरों के मन में आपके लिए एक जगह भी बन जाएगी। हम कहते हैं ना कि कोई कोई आदमी उसका कोई दुश्मन ही नहीं है, हर एक आदमी उसके लिए अच्छा ही बोलता है।
वो जैसा है वैसा ही, अंदर से बाहर से वैसा ही है। ये जजमेंट या ये कमेंट लोग आपके बारे में देना शुरू करेंगे। इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। आर यू रेडी टू डू इट? यू हैव टू, बिकॉज आपने ठान ली है अपनी पर्सनालिटी बदलने की, और ये जो गुण है वो आपको डेवलप करना है, नॉट टू बी जजमेंटल फॉर जस्ट वन डे। एक दिन के लिए कर सकते हैं, सिर्फ एक दिन के लिए करके देखिए। सो हैप्पी नो जजमेंटल डे फॉर टुमारो, एंड ऑफ कोर्स नो गॉसिप्स। डिफिकल्ट बट यू हैव टू डू इट। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय।